नमस्कार दर्शकों मेरा नाम है तनिष्क शर्मा और आज है डे 19 ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस सीरीज थीम है बी यू मैं आपको कुछ आसनास कराऊंगी उसके एडवांस वेरिएशन कराऊंगी और बिगनर वेरिएशन कराऊंगी आप जहां कंफर्टेबल हैं वहीं करेंगे और क्यों करेंगे वो मैं आपको बीच में बताऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्वाइंट थम एंड टिप ऑफ मिडिल फिंगर योर थाइस एंड ब्रीथ विथ मी द आइडिया ऑफ टू प्रैक्टिस इज टू बी यू Only when we know where we are, growth starts. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक वार्म अप सुखासन में बैठ जाइए और एक्नॉलेज कीजिए आज की प्रैक्टिस को खुद को रेडी कीजिए आज की प्रैक्टिस के लिए ब्रीथ विथ मी arms to the chest center namaste now fingertips to the right side entire palm down open chest left hand up breathe with me two three four and five inhale center exhale release fingertips to the right side left side entire palm down right hand up breathe with me two three four those of you comfortable walk see towards the ceiling five Inhale center, exhale release. Now we'll go for basic twist. Left palm on your right knee just like that. Right hand behind. With an inhale, lengthen up, exhale, twist more. With every exhale, twist more. One. Two. Three. Four. Five, inhale, center, exhale, completely relax. Right hand on the left thigh, left hand back, right hand back. Inhale, lengthen up, exhale, twist. One, two, three, four, five, two more. Okay, inhale center, exhale release. Now, from here on to your force. Arms under your shoulder, legs, hips, hips width apart. With an inhale, look up, exhale, arms, chest, chin to the chest. Inhale, look up, push your tailbone outside. Exhale, chin to the chest. इनहेल लुक अपेल आर्म टू दस्ट चिन टू देस्ट पता नहीं मुझसे गलती क्यों हो रही है बार बार इनहेल लुक अप अब इसको होल्ड करेंगे आप पांच डीप ब्रेथ के लिए नाउ होल्ड One, two, three, four. रिलीज चेंज टू द चेस्ट एंड होल्ड दिस वन वन ये हम ना अभी और वार्म अप भी कर रहे हैं मैंने आपको आसनाज अभी कराए नहीं है फर्स्ट आसना ये वाला डाउनवर्ड फेसिंग डॉग अधोमुखासना आसना ये पहला आसन है जिसको इस तरीके से करना है जो लोग बिगनर्स हैं वो उनकी नी मुड़ी रहेंगी क्योंकि मुड़ी रहती है और जो लोग एडवांस लेवल पे कर रहे हैं वो मेरी तरह अपने पैरों को सीधा कर सकते हैं फाइन चाइल्ड पोस्ट शशांक आसना बैक वन मोर टाइम अधोमुखासना आसना हैंड्स both the hands टू द वेस्ट कम अप चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा आसन जो कि है ट्री पोज पहला हो गया अधोमुखासना आसना के दो वेरिएशन जो भी आपको पसंद है वो आप कर लीजिए। दूसरा है ट्री पोज वृक्ष नाउ फॉर दिस ट्रांसफर ऑल योर वेट ऑन टू योर राइट फुट एंड बेंड योर लेफ्ट पहले डिस्बैलेंस होगा जैसे मेरा हो रहा है फ्रॉम येयर प्लेस राइट हैंड ऑन योर वेस्ट विथ योर लेफ्ट हैंड ग्रैब योर लेफ्ट एंकल मेरा मेरा पहले राइट हो रहा है तो मैं वो करूंगी आप वही कीजिए जो मैं वॉइस ओवर में बोल रही हूं चलो यार तुम्हारी तरह मैं करती हूँ प्लेस योर लेफ्ट हील एज हाई एज़ पॉसिबल दो मेरा ये वाला पैर कमज़ोर है इसलिए मैं प्रेफर कर रही थी दूसरा बट इट्स ओके मैं समझाने के लिए तुम्हारे साथ फॉलो करने के लिए मैं ये पहला पहले करूँगी ठीक है जो लोग कंफर्टेबल हैं वो अपने हाथ को वेस्ट पे रखेंगे जो लोग इसके बाद भी कंफर्टेबल है वो अपने हाथों को सीधा कर लेंगे और जो और कंफर्टेबल है तो वो क्या करेंगे राइट right हैंड को राइट right नी पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को थोड़ा सा झुकाएंगे ट्री बनाएंगे कुछ इस तरह गेज जो होता है जो नजरें हैं वो कहीं भी सामने एक टक तो नीचे की तरफ होल्ड इट फॉर फाइव डीप ब्रेथ थ्री फोर एंड फाइव किसी को पेपर दिख रहा है क्या काले रंग का दिख रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना पाँच मेरे हो गए हैं अब जिस तरीके से तुम आए थे उसी तरीके से नीचे जाएंगे चलो अब चेंज करेंगे मेरा ये वाला पैर ज़्यादा स्ट्रांग है यानी कि लेफ्ट पैर मेरा ज़्यादा स्ट्रांग है जब नीचे रहता है तो इसमें मुझे कम दिक्कत होने वाली है तो तुम्हें तो भी ऐसे होगा तुम्हारे साथ देख लो मैंने कहा था तो कोई दिक्कत नहीं है अगर कंफर्टेबल हो ये पजामा थोड़ा ढीला है शायद ये नहीं पहनना चाहिए था एनीवे anyway, वै दोस्तों मैंने पहले ही बोला है कि गलतियां मैं भी करूंगी क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही कर रही हूँ ताकि तुम्हें लगे कि मेरे जैसी है हमारे जैसी है तो गलतियां मैं भी करूंगी और कुछ भी मैं एडिट करने वाली नहीं हूं ताकि तुम लोग समझ जाओ कि गलतियां होती हैं फाइव डी ब्रथ फोर फाइव रिलीज आर्म्स टू द चेस्ट सेंटर जैसे आए थे वैसे ही अब अपने राइट right हैंड से राइट right लेग को नीचे करेंगे कुछ इस तरह यस रिलैक्स फॉर अ वाइल अब आप नीचे बैठ जाएंगे तीसरा आसन है बोट पोज

सॉरी जहाँ जिनको यहाँ रही है वो यहीं पे छोड़ देंगे इसी को ही करेंगे जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही है वो अपने टांगों को और आगे उठाएंगे और अपने शिन को पैल करेंगे फ्लोर से जिनसे ये भी हो पा रहा है वो अपने हाथों को स्ट्रेट कर लेंगे स्ट्रगलिंग विद बैलेंस दैट कम्प्लीटली ओके जैसे मैं हो रही हूँ मुझसे हाथ स्ट्रेट नहीं हुए दोस्तों तो याद रखना मैंने छोड़ दिया अब मैं तुम्हें इसका फाइनल पोज दिखा रही हूँ कैसे ये होना था ये इस तरह होना था मुझसे उस वक्त नहीं हो रहा था इसलिए मैंने छोड़ दिया तुम भी आज की जो प्रैक्टिस है वो यही है कि जितना हो रहा है उतना ही करेंगे अपने आप को जानेंगे हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करेंगे इसलिए मैंने भी छोड़ दिया For number नंबर which is इज pose, we वी हैव टू down ऑन योर स्पाइन बड़ा नाटक करती मैं बीच बीच में जिनसे ये नहीं होगा वो सेतु आसना में ही लेटे रहेंगे सेतु आसना पता है ना यार आज बीस दिन हो गए आप तो समझ जाओ बुद्ध हैंड्स एट योर साइड लिफ्ट या बटक सप जिससे सेतु बंदा जिनसे नहीं हो रहा है वो इसी पे अटक जाओ ठीक है ये है बिगनर वेरिएशन मैं पहले ही बोल रही हूँ जिनसे जितना हो रहा है वो उतना ही करेंगे इफ कम कंफर्टेबल ग्रैब योर हील्स जस्ट लाइक दिस यहीं पे रुक जाओ जिनसे हो रहा है तो जिनसे नहीं हो रहा है तो वहीं पे रुक जाओ और जिनसे हो रहा है वो मेरे साथ आगे बढ़ेंगे from here place your palms under your shoulders in such a way that your fingers pointing in same direction of your toes and then press your palms and come on the crown of your head breathe here one two three four five six सेवन एट रिलीज स्लोली रिलीज पेपर है सामने देखा नहीं यार मैंने तुमसे कह रही थी ना मैं कमेंट में लेना तुमको दिख रहा है तो मुझे नहीं दिख रहा था काला जब यहां से हग योर नीज इन अ रिलैक्स वे अपने टाइम को लेके चलिए इसका टाइम भी हो गया है हेज हाँ, इन अ रिलैक्स वे ट्राई टू कैच योर नॉर्मल ब्रेथ वंस अगेन मेरी तरफ से आप सबको शुभ दीपावली हैप्पी दिवाली क्वेश्चन नंबर फाइव इज पश्च बोतान आसना for that both the legs forward toes flexing towards you grab your big toes from the three finger middle finger index finger and thumb inhale lengthen your spine exhale forward fold अब एक ये है तो आपका है बिगनर वेरिएशन ठीक है एडवांस वेरिएशन है शिन को पकड़ लो पैरों को पकड़ लो जितना ज़्यादा कर सको वो कर लो नहीं जो आपका रेंज है वही करना है मैं अपना बेस्ट कर रही हूं आप भी अपना बेस्ट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन रिलीज मेरी ना नाभ नस वापस मिल जाती है इसलिए मुझे बीच में उठना पड़ता है आप लोग को भी होता तो तुरंत उठ जाया करो वापस से अपनी ब्रेथ को कैच करो नॉर्मल वाली अच्छा ये तो हो गया तुम्हारा बिगिनर वर्जन पहला सेट अब दूसरा सेट क्या करोगे जो तुमने पहले किया उसे थोड़ा सा आगे जाओगे जिसने शिन पकड़ा है वो पैर पकड़ेगा जिसने पैर पकड़ा है वो इंटरलॉक करेगा अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा एडवांस करेंगे एक और सेट मेरे साथ बहुत ज़्यादा रेस्ट ले लिया मैंने मैंने कहा ना मेरी वो जो बीच पेट और डाइफ्राम की नस है वो मिल जाती है तो मुझे थोड़ी देर बैठना पड़ता है देखो मैंने पैर को पकड़ा था तो मैं इंटरलॉक कर रही हूँ तुम भी कर सकते हो ठीक है वन टू थ्री फोर एंड फाइव रिलीज स्लोली टेक टाइम वापिस से अपनी ब्रेथ को कैच कर लो टेक योर टाइम मैं पांच से दस मिनट लगाती हूँ बैठने में इस आसन के बाद ना आफ्टर दिस लाइडाउन ऑन योर स्पाइन फॉर द स्पाइनल टू वेस्ट राइट लेग ओवर द लेफ्ट लेग नीज टूअर्स द राइट साइड फेस टूअर्ड्स द लेफ्ट साइड एंड वेस्ट बहुत जल्दी से कर दिया मैंने हैं दूसरी साइड भी ऐसे ही फेंक दो पैरों को बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है इस पोज में दोस्तों अच्छा नहीं गलत कर दिया था अब लेफ्ट लेग ओवर द राइट लेग दोनों को राइट साइड फेंको फेस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है बॉडी बो, में सच बोल रही हूं नाउ लाई डाउन इंटू शव आसना आर्म्स बाय द साइड सो दैट योर अंडर आर्म्स कैन ब्रीथ स्प्रेड योर लेग्स वाइट मैट विथ द पार्ट टोज फॉलिंग ईदर साइड Palms facing up, fingers naturally curled. Feel your abdomen. Do not hold to anything. Try to connect back. Open your eyes. Neck both the side, right and left. Bring your feet together. Extend your arms. Stretch. Take a nice long stretch. Bend left knee. Roll on to the right side. In your own time, sit back in Sukhasana. Close your eyes. Take a moment to experience the last, the experience of the last practice. Grab opposite elbows. Inhale up. Exhale. Bend forward. Send your gratitude to the Mother Earth. Inhale. Try to connect back. Exhale. Come up. Rub your palms to the chest for the emotional strength.